हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार रजनीकांत और अक्षय कुमार की फिल्म रोबोट 2.0 के बारे में। वेल फ्रेंड्स, बहुत सारे आमिर खान के जो फैंस हैं वो कॉन्स्टेंटली ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और रोबोट 2.0 को कंपेयर कर रहे हैं। गाइज, ये दोनों फिल्में अलग जॉनर की है। अब दोनों में से कौन सी फिल्म किस पे भारी पड़ेगी ये कोई बोल नहीं सकता है। दोनों फिल्में हिंदुस्तान इतिहास की सबसे बड़ी फिल्में होने वाली है एंड दे आर गोइंग टू मेक इंडियन सिनेमा प्राउड नॉट ओनली एट द नेशनल लेवल बट ऑल्सो एट द इंटरनेशनल लेवल। सो गाइज, आज के एपिसोड में आपको बताऊंगा किस तरह आमिर खान ने आज से एक साल पहले ही यह प्रेडिक्ट कर दिया था कि रजनीकांत की फिल्म रोबो 2.0 सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। यस फ्रेंड्स, आमिर खान ने खुद सीक्रेट सुपरस्टार के प्रमोशंस में कहा था कि रोबो 2.0 जो फिल्म है जब भी बनेगी वो एक सुपर डुपर हिट फिल्म होगी इन ऑल द लैंग्वेजेस। और अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दूं मैं, रोबो 2.0 वाज फर्स्ट ऑफर्ड टू नन अदर देन द परफेक्शनिस्ट मिस्टर खान। तभी उन्होंने कहा कि जब शंकर जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट मेरे हाथ में दी, जब मैं एक एक लाइन पढ़ रहा था ये स्क्रिप्ट की, तब मैं जब आंख बंद करता था तब मैं किसी और को इमेजिन नहीं करता था बल्कि बस सुपरस्टार रजनीकांत को इमेजिन करता था। जब भी आंख बंद करता मुझे रजनीकांत सर के इमेज दिखता और मैंने इसीलिए शंकर जी से कहा कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकता। आई वॉज बींग वेरी ऑनेस्ट टू माई सेल्फ। उस दौरान रजनीकांत जी बहुत बीमार रहा करते थे और उन्होंने भी आमिर खान जी से रिक्वेस्ट की तुम ये फिल्म कर लो। तब उनसे पूछा गया कि क्या तुमको अक्षय कुमार का कैरेक्टर दिया गया था, यानी कि द बर्डमैन का कैरेक्टर दिया गया था। तब आमिर खान ने कहा नहीं, मुझे रजनीकांत सर का कैरेक्टर ही ऑफर किया गया था। वो स्क्रिप्ट मेरे पास लगभग 6 से 8 महीने की है। तो उनको ये भी पूछा गया क्या ये रोबो 2.0 जो बन रही है वही स्क्रिप्ट है। तब आमिर खान ने बात को कंफर्म किया कि हां, वही सेम स्क्रिप्ट अब रजनीकांत सर और अक्षय कुमार जी के साथ बनाई जा रही है। और मैं दावे से कह सकता हूं तुमको कि ये फिल्म हिंदुस्तान इतिहास की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्म होगी। वो ये बात जानते हैं लेकिन फिर भी उन्होंने रजनीकांत जी को फोन करके कहा कि मैं ये फिल्म नहीं कर सकता हूं क्योंकि इस रोल को अगर कोई निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत सर है। वेलकम, आमिर खान का इतना बड़ा बयान आना आज से एक साल पहले और इस बात पे किसी का गौर ना करना, यह आश्चर्यचकित करता है मुझको। और आज जब मैंने इंटरव्यू सुना आमिर खान जी का तब मेरे को होश उड़ गया कि आमिर खान हिमसेल्फ टेलिंग रोबो 2.0 विल बी द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर एवर। और अब जब टीजर आ चुका है इस फिल्म का और पोस्टर्स भी आ चुके हैं, आई डोंट नो उनकी एक्सपेक्टेशन और कितनी बढ़ गई होगी, लेकिन फिलहाल 2.0 इज गोना बी द मैग्नम ओपस ऑफ इंडियन सिनेमा। फिंगर्स क्रॉस अलॉन्ग विद थग्स ऑफ हिंदुस्तान। जितने भी लोग झगड़ रहे हैं 2.0 थग्स ऑफ हिंदुस्तान वो अलग फिल्म है, ये अलग फिल्म है, दोनों को कंपेयर कैसे कर सकते हो यार। ओके गाइस, तो आई होप ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। क्या कहना चाहते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज मियां अंसारी साइनिंग ऑफ। यू विल सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।